फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को डिटरमाइन करना यानी कि कैलकुलेट करना सीख लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने जियोमेट्रिकल टेक्निक की मदद से एक फॉर्मूला निकाला था कुछ ये वाला, जिसकी मदद से हम लोग मास चाहे कुछ भी हो, किसी बॉडी का कोई भी डेंसिटी हो, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई बॉडी मोशन करती है तो ऑब्वियसली बात है उसके सारे पार्टिकल्स मोशन करते हैं, क्योंकि इसे हम लोग तभी तो हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहते हैं। तो हर एक बॉडी का जो है वेलोसिटी अलग अलग होता है, हर एक बॉडी का जो मोशन है वो अलग अलग होता है, इसीलिए उसको समझने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का यूज करते हैं, यानी कि पूरी बॉडी का मोशन समझने के लिए एक सेंटर ऑफ मास का मोशन यूज करते हैं। तो वो मोशन कैसे यूज करते हैं उसी का पता आज हम लोग लगाने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में ये फॉर्मूला निकाल लिया था आर इक्वल्स टू में सिग्मा यानी कि समेशन ऑफ एम आई आर आई अपॉन में कैपिटल एम। ये जो कैपिटल एम था ये टोटल मास ऑफ द बॉडी था, एम आई जो था यानी कि सारे मासेस यानी कि M1, M2, M3 से MN तक जितने भी मासेस हैं हमारे पूरी बॉडी के, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका मासेस था। और ये जो RI था ये होता है बेसिकली X, Y और Z का कंपोनेंट है, यानी कि इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, यानी कि X में, Y में और Z डायरेक्शन के अंदर कितनी सेपरेशन है। तो यानी कि एक बॉडी होती है, उस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उन बहुत सारे पार्टिकल्स का अपना अपना डायमेंशन होता है, ऑब्वियसली बात है। तो ये R1, R2 से लेकर के RN तक, और ये जो R1, R2 है सारे XYZ में टूटे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल निकाल लिया था कि भैया सेंटर ऑफ मास का जो पोजिशन होगा वो कितनी सेपरेशन पे होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो RI है ये बेसिकली क्या है, पोजीशन ही तो है, उस पार्टिकल की पोजीशन ही तो है। और जब बॉडी मोशन करेगी तो क्या उस पार्टिकल के में मोशन नहीं होगा, मोशन होगा, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो बदलेगी, यानी कि टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। तो क्या हम लोग इस चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, मतलब ये हुआ कि इस बॉडी के हर एक पार्टिकल ने टाइम के साथ साथ कुछ चेंज किया, तो यानी कि इसको अपन लोग कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं MR इज इक्वल्स टू में समेशन ऑफ MIRI। ठीक है, इस MR का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल M है तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि मास ऑफ द बॉडी है, और जाहिर सी बात है मास जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, बदलेगा नहीं, यानी कि इसकी पोजिशन ही बदलेगी। तो यानी कि DR अपॉन में DT इज इक्वल्स टू में M1 को बाहर ले लेते हैं DR1 अपॉन में DT, और M2 को बाहर लेते हैं DR2 अपॉन में DT प्लस मतलब यहां ऐसे ही चलता रहेगा, और जो MN है वो बाहर आ जाएगा और DRN अपॉन में DT। ये इस तरीके से होगा इसका डिफरेंशिएशन, जब हम इसका पूरा डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखिए, मास तो हो गया कांस्टेंट, यानी कि बॉडी जब वो कर रही है मोशन कर रही है तो मास तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये जो DR अपॉन में DT है, पोजीशन जो टाइम के साथ साथ चेंज कर रही है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी। इससे वेलोसिटी पता चलेगी हमें पार्टिकल्स की, तो वेलोसिटी हमारे सामने ये निकल के आ जाएगी, यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं VmV इज इक्वल्स टू में M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, इस तरीके से MnVn लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, मान लिया, और उसी तरीके से इस वेलोसिटी के अंदर भी टाइम के साथ साथ कोई चेंज आएगा, वो डिपेंड करता है कि हम लोग उस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस टाइम के साथ से चेंज आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम जो है इसको बाहर ले लेंगे और डीवी अपॉन में डीटी लिख देंगे, इधर M1 बाहर आ जाएगा DV1 अपॉन में DT, और इधर M2 बाहर आ जाएगा DV2 अपॉन में DT, इस तरीके से MN बाहर आ जाएगा और DVN अपॉन में DT। तो ये DV अपॉन में DT क्या है, ये DV अपॉन में DT एक्सेलरेशन होगा, यानी कि वेलोसिटी के अंदर आया हुआ चेंज। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं MA इज इक्वल्स टू में M1A1 प्लस M2A2, इस तरीके से MnAn। तो ये चीज हमारे सामने निकल के आई, भाई हमने किया क्या, इसकी पोजीशन में आने वाला चेंज था वो हमने लिख दिया, इसकी वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी में आने वाला चेंज था इसका एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल काइनेमेटिक्स है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया ये वाला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है किसी भी बॉडी पे लगाया हुआ जो फोर्स है वो उसके मास मल्टीप्लाई बाय उसके एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं MA इज इक्वल्स टू में F1 प्लस F2, इस तरीके से FN। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने किसी बॉडी को मोशन करवाया तो उस बॉडी के हर एक पार्टिकल पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन अब वो फोर्स होगा क्या, हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, कितने भी हो सकते हैं पार्टिकल्स, तो उन सबके फोर्स को पता लगाना तो मुमकिन नहीं है ना हमारे लिए। तो इसीलिए इसको समझने के लिए सेंटर ऑफ मास को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो आपको मैंने पहले बताया कि जब कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, मतलब हम लोग किसी चीज पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाते हैं, तो उसका अपोजिट फोर्स भी लगता है उसके ऊपर।
यानी कि फोर्सेस जो है वो हमेशा जोड़े में होते हैं, अनबैलेंस नहीं होते, जोड़े में होते हैं। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है इस बॉडी का ही, और इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब मैंने इसको फोर्स करवाया तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यकीनन इसके ऊपर इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रहा होगा। भाई सोच के देखिए, क्योंकि पेयर्स जो है वो होते हैं हमारे जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, पेयर फोर्सेस कहते हैं जिसको हम लोग, यानी कि हर एक पार्टिकल का अपना अपना पेयर होगा फोर्सेस का। तो इसका मतलब हर पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसका कोई रोल नहीं है, वो अपनी जगह पे स्थिर इसलिए है कि इस जगह, मतलब स्टेशनरी इसलिए है कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। मान लीजिए बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसको अंदर की तरफ भी एक फोर्स खींच रहा होगा, उतना ही अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या कहता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ? कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यही कहता है ना। तो इस फोर्स के अपोजिट उतना ही, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, यानी कि ये हुआ कि हर पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, यानी कि वो एक स्थिर यानी कि स्टेशनरी अवस्था में है, स्टेशनरी पोजीशन के अंदर है। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा काम कर रहा है? यहाँ पे फोर्स वो काम कर रहा है जो मैंने उसके ऊपर लगाया है, जिस फोर्स से मैंने इस बॉडी को धकेला है यानी कि इसको मोशन करवाया, सिर्फ वही फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग लिख सकते हैं इस एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ एन को टोटल एफ एक्सटर्नल लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही काम कर रहा है इसके ऊपर, तो बाकी सारे फोर्सेस तो जीरो हो गए। इसका मतलब ये हो गया एम ए इज इक्वल टू में एफ एक्सटर्नल, और एफ इज इक्वल टू में एम ए होता है, यानी कि ये सही है, यानी कि ये इक्वेशन सही है। तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, हो क्या रहा है कि जब कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसका जितना भी मास है मोशन करते वक्त, वो सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड हो जाता है उसके दोनों फोर्स, यानी कि उसके पेयर में फोर्स जो लग रहे हैं उसकी वजह से, और उसके ऊपर उस पूरे के पूरे सेंटर ऑफ मास के ऊपर सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स ही काम करता है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका जो मोशन है वो डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग अकेले सेंटर ऑफ मास की मदद से सारी की सारी बॉडी का मोशन निकाल सकते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे सिंपल काइनेमेटिक्स में, जहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी ये सारी चीजें थी, वहां पे पूरी बॉडी को एक पार्टिकल मान लिया। अब हुआ क्या, उसकी मदद से हम लोगों ने देखा कि रोटेशनल मोशन और इंटरनल फोर्सेस का जो कंसेप्ट है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया वहां पे। तो उस चीज को समझने के लिए हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स नाम का चैप्टर जो है वो इंट्रोड्यूस किया। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसी के आगे हम लोग काफी सारी चीजें समझने वाले हैं कि इंटरनल फोर्सेस एक बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, और काफी सारी चीजें जो है रिलेटिविटी जैसी चीजें हैं, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फोर्स लग रहा है और बाहर कुछ फोर्स लग रहा है, तो दो फोर्सेस की एक साथ स्टडी, तो इस तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मदद से, ठीक है। तो ये है सेंटर ऑफ मास का मोशन कंसेप्चुअल रूप से, अब आप सब समझ गए होंगे। और अब मैं आपसे कहूंगा कि एक बार इसको देखने के बाद आप दोबारा एक बार अपनी बुक में जाएं, चैप्टर जो आपका सेवंथ है इलेवंथ क्लास का, उसको दोबारा इस पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ें। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तीन चार पैराग्राफ का ही है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाए आपका माइंड बिल्कुल अच्छी तरीके से। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेंटर ऑफ मास के मोशन का सिस्टम जो है वो समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है, हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट।